हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेम संप्लेन पर स्वागत करता हूं और मैं हूं प्रेम। दोस्तों, आज का हमारा जो प्लान है वह है 25x26 फीट के अंदर, यानी कि 25x26 फीट के अंदर ये डिज़ाइन है। आप देख पा रहे होंगे ये हमने एक विलेज साइड के लिए ये प्लान किया हुआ है। तो उनका जो रिक्वायरमेंट था कि उनका जो बैक साइड है पीछे की ओर उनका ओपन है और उनको पीछे की ओर एक डोर चाहिए यानी बाहर जाने के लिए, तो इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, कैसा हुआ कमेंट में आप डिज़ाइन ज़रूर बताना, और आपको प्लान बनवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह पाएंगे। प्लान शुरू करने से पहले यानी डिटेल्स में जानकारी शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश एक है कि आप हमारे चैनल पर आए हुए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर के डिज़ाइन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 25x26 फीट के अंदर ये प्लान है। तो आप डिज़ाइन पहले देख लीजिए, डिज़ाइन हमने बहुत ही सिंपल किया हुआ है। जो ग्राउंड फ्लोर में सेम डिज़ाइन, फर्स्ट फ्लोर पर भी एक ही डिज़ाइन है। फर्स्ट फ्लोर पर हमने एक छोटा सा बैल्कनी दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, और ग्राउंड फ्लोर पर हमने कार पार्किंग भी डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर हमने छत दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये आज का हमारा डिज़ाइन। चलिए टॉपिक पर चलते हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आप देख लीजिए, आप कहीं से भी आएंगे आपके सामने रहेगा ये वाला गेट, यहाँ पर से आपका एंट्री होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ही कार पार्किंग मिल जाएगा। गेट से आप एंट्री करके अंदर की ओर जाएंगे तो कार पार्किंग में पहुंचेंगे, और वेंटिलेशन के लिए विंडो सामने की ओर रहेगा, डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से विंडो का। और आप इस कार पार्किंग एरिया से अंदर की ओर जाएंगे तो आप यहाँ पर 16x12 फीट का आपका 12x16 फीट का ये कार पार्किंग एरिया आ जाएगा। और दोस्तों, मैं जो साइज़ आपको बता रहा हूँ वो साइज़ मैं पूरे प्लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके सामने ये 12x16 का कार पार्किंग आ जाएगा फीट के अंदर, और आप देख पा रहे होंगे इसी कार पार्किंग से इस साइड की ओर हमने एक डोर दिया हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो भी है। और आप इस एंट्री डोर से एंट्री करके अंदर की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे ये वाला पैसेज पर। ये आपका पूरा ओपन एरिया रहेगा। यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद इस साइड की ओर आपका रहेगा किचन एरिया और डाइनिंग एरिया। किचन का जो साइज है, किचन का हमने साइज यहाँ पर लिया हुआ है 13x10, यानी यहाँ ये वॉल जो देख रहे होंगे ये वॉल से लेकर ये वाला वॉल तक 13 फीट का है, और ऐसे में ये वाला वॉल से लेकर पीछे का वॉल तक 10 फीट है किचन एरिया। और यहीं से किचन से देख लीजिए, पीछे हमने एक डोर दिया हुआ है, इस डोर से एंट्री करके आप पीछे की ओर बाहर साइड में जा पाएंगे। और पीछे हमने वेंटिलेशन के लिए किचन के यहाँ पर विंडो दिया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पर से आपका जीना ऊपर की ओर चढ़ेगा। पहले देख लीजिए, जीने के साइड में रहेगा आपका ये एक कॉमन टॉयलेट और बाथरूम एरिया, जिसका साइज है 6x8 फीट का। और दोस्तों, यहाँ पर से देख लीजिए, किचन के साइड की ओर से यहाँ पर से एक डोर मिलेगा, जिससे कार पार्किंग की पीछे की ओर आपको एक स्टोर रूम मिलेगा, जिसका साइज है 6x10 फीट का। और दोस्तों, आप इस जीने से होकर जाएंगे, जीने का साइज है, जीने हमने चढ़ाया हुआ है ऐसे घुमावदार करके, यानी घुमा कर, तो जीने का जो साइज हमने चढ़ाया हुआ है 6x8 फीट के अंदर है। और आप इस जीने से होकर ऊपर की ओर जाएंगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने फ्रंट साइड की ओर एक रूम भी डिज़ाइन किया हुआ है, जो गेस्ट रूम की तरह आप यूज़ कर पाएंगे, जिसका साइज है 13x10 फीट का। और आप चाहे तो इसको लिविंग रूम भी करना चाहे तो कर पाएंगे, 13x10 फीट का ये रूम आ जाएगा। हमने यहाँ पर गेस्ट रूम यानी बेडरूम रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस एंट्री स्टेयर से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे, देख लीजिए, पहले आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने जो इस साइड की ओर किचन था ग्राउंड फ्लोर पर, सेम किचन के साइज पर ही ऊपर 13x10 के अंदर यहाँ पर आपका रहेगा पूरा फैमिली लॉज। आप सामने की ओर, इस साइड की ओर, फ्रंट साइड की ओर टीवी वगैरह रखना चाहे तो रख पाएंगे यहाँ पर। तो ये फैमिली लॉज आपका रहेगा 13x10 फीट के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर। और आप इस जीने से होकर आएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर आपका फैमिली लॉज रहेगा। फैमिली लॉज के साथ में ही रहेगा जो ग्राउंड फ्लोर पर था, सेम 6x8 फीट के अंदर ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम एरिया। और फ्रंट साइड की ओर देख लीजिए, इस स्टेयर से आने के बाद आपको यहाँ पर एक डोर मिलेगा और यहाँ पर एक डोर मिलेगा। ये वाला डोर से आप एंट्री करके अंदर की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे ये वाला बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज हमने दिया हुआ है वह है 12x10 का, ये वाला बेडरूम का। और इसी बेडरूम के साथ पीछे की ओर हमने अटैच में एक टॉयलेट और बाथरूम दिया हुआ है, वॉशरूम, जिसका साइज है 6x10 फीट का। काफ़ी बढ़िया सा स्पेस पर हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। और फ्रंट साइड की ओर देख लीजिए, यहाँ पर से एक डोर मिलेगा, इस डोर से एंट्री करके आप बैल्कनी में आ पाएंगे। और दोस्तों, आपको दूसरा जो यहाँ पर एक डोर दिख रहा होगा, इस डोर से होकर जो ग्राउंड फ्लोर पर गेस्ट रूम था, सेम उसके ऊपर ही यही 13x10 का एक बेडरूम रहेगा। दोस्तों, ये था हमारा प्लान। फिर आप जीने से होकर ऊपर की ओर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे इस एरिया में। ये आपका रहेगा छत, और इसका टॉप का जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल में और कम लागत में आप कर पाएंगे। आप चाहे तो इस घर को करने में करीब 10 से 12 लाख तक खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, यही था हमारा प्लान। कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे आगे की ओर नए प्लान, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए प्रेम संप्लेन और स्वस्थ रहिए।